सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं आया हूँ ग्राम मसद विचाला। मेरे साथ है ईश्वर जी खत्री, जो अपने स्कूल के डायरेक्टर है। सर अपना परिचय दी। मैं ईश्वर खत्री, डायरेक्टर श्री विंदु मेमोरियल स्कूल विशाला। और सर अपने स्कूल में वर्तमान में क्या क्या व्यवस्था है बताइए। अपने स्कूल में बेसिक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी हर फैसिलिटी की व्यवस्था है। बाहर से लाने के लिए बाल वाहिनी भी है, स्कूल में वाटर कूलर भी लगा हुआ है, ठंडा पानी पीने के लिए खुला वातावरण है, खेल का मैदान है, अच्छा पूरा CCTV से लैस है एकदम पूरा कैंपस इसका। और इसकी गुणवत्ता हम ये है कि एक से कक्षा 8 तक का है स्कूल, तो हम ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं करते हैं। पर क्लास में 16-17 बच्चे बिठाते हैं, उस पर अच्छा ध्यान भी हो जाए, ठीक है, उसको अच्छे से मैनेज हो जाए। इज्जत भी हमारा सर्वोपरि है। बच्चा अगर वहाँ से घर से यहाँ तक आ रहा है इतना दूर, तो कम से कम वो 2 अक्षर हमसे सीख के जाए। अब ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी करते हैं हम, तो फिर वो टाइम नहीं दे पाते हैं 30 या 35 मिनट के पीरियड के अंदर। हाँ, तो यही गुणवत्ता, सबसे पहली गुणवत्ता तो हमारी यही है। पहले बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे, बाड़मेर सिटी की तरफ जाते थे, अब हमने उन बच्चों को यहाँ रोक लिया। भाई हम वही फैसिलिटी आपको यहाँ दे रहे हैं, कम मतलब डिस्टेंस के अंदर। बाहर बच्चा जाता है ट्रांसपोर्टर 50 किलोमीटर उसकी रनिंग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे बच्चा अपाहिज हो जाता है, अपन भी थक जाते हैं तो बच्चा तो थकना ही है ना। वही सेम की सेम फैसिलिटी खुली हवा में खुले वातावरण दे रहे हैं। सिटी में तो वही है, अब वहीं सिटी के बच्चों के लिए भी जगह नहीं है कहने का मतलब है, और फिर हवा पास होने की भी जगह नहीं है कहने का मतलब, वही भीड़ भाड़ इलाका, यहाँ शांत इलाका, कम मतलब गैदरिंग वाला इलाका है। आपका कहने का मतलब सिटी से यहाँ गांव में बेहतरीन सुविधा हम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। बच्चे हमारे से सेटिस्फाइड है, आज 6-7 साल से बच्चे वहीं बैठे हैं। 8 का हमारा बैच निकलता है, 15-20 बच्चे हम वापस नहीं लेके आते हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा मैनेज भी, अच्छा इज्जत बहुत शानदार दे रहे हैं। सिटी से भी अच्छा इज्जत हम ग्रामीण परिवेश में दे रहे हैं। आप अभी 8वीं के बच्चों का इधर देख लो, 10वीं का देख लो, 12वीं का देख लो, जो ग्रामीण एरिया में परिवेश के जो बच्चे हैं ना, आप उठा के देख लो, भौतिक आप सत्यापन करके देख लो, ग्रामीण एरिया के बच्चे टॉप पे जा रहे हैं, बाकायदा जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के। सर अपने स्कूल में कुल टीचर की संख्या कितनी? 8 की। अच्छा, और एक प्रिंसिपल, एक मैं। और रही बात आप बता रहे हो कि हमारे सिटी से गाँव में बेहतरीन है, तो इनके अलावा अभी आपके वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अभी ये पहला बैच है अपने 8-9 का बैच इस बार बिठाया अपन ने। हाँ, ठीक है ना। और बाकी 20 स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी है, अभी धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की। आपका कहना है भाई हम ज़्यादा बच्चा नहीं रखते, भीड़ नहीं करते, कम बच्चों को और अच्छी शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देते हैं हम। हाँ, फीस थोड़ी बढ़ा के लेते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य के लिए, ये नहीं है कि पकड़ के लेके आगे बच्चे को बिठा दिया, हम टाइम नहीं दे पाएंगे, वो पैसा इकट्ठा कर लिया, वो नहीं है। कम बच्चे रखेंगे, बढ़िया फीस रखेंगे, तो रिजल्ट भी देंगे, बस वही है, यही हमारी गुणवत्ता है। विशाला में विंदु मेमोरियल का नाम, आप किसी भी एरिया में जाओगे तो सबसे बेस्ट है। मैं दुर्गे सोलंकी न्यू 21 बाड़ में, मेरे साथ थे ईश्वर जी खत्री, तो इन्होंने अपने पूरी स्कूल का बायोडाटा बताया और ये बताया कि हम जितने भी बच्चे कम लेते और शिक्षा सीख जाते हैं, पैसे बोले 2 रुपये फीस के ज़्यादा लें, लेकिन बच्चे का भविष्य देखते। मैं दुर्गे सोलंकी न्यू 21 बाड़।